नमस्कार, मैं सोहन राज और आप देख रहे हैं 24 इंडिया टीवी। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। टैंकर के चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत, वहीं 5 साल की बच्ची सही सलामत। आपको बता दें कि निरसा थाना क्षेत्र में लगातार सड़क हादसे होने की घटना सामने आ रही है। वहीं बड़ी दुखद खबर, निरसा चौक पर बुधवार की शाम भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जहाँ टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार बाइक सवार दुलाल गोराई अपनी पत्नी चाइना गोराई व 5 वर्षीय पुत्री अनु गोराई के साथ पश्चिम बंगाल के कुलती थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गठिया ग्राम से अपने रिश्तेदार के घर उपचरिया जा रहे थे। इसी दौरान निरसा चौक के समीप सड़क पार करने के क्रम में टैंकर की चपेट में आने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 4 वर्षीय बच्ची को हल्की फुल्की चोट आई है, जहाँ ग्रामीणों ने कहा सड़क पर ही बुरी तरह से लगाए जाने वाले ऑटो एवं सड़क किनारे पसरा हुआ अतिक्रमण व ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जहाँ पदाधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है। निरसा से हमारे संवाददाता बुबई घोष की रिपोर्ट। ये निरसा चौक जो है, यहाँ प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम के 11 बजे तक, रात तक इतनी भीड़ रहती है, हजारों का संख्या यहाँ पर जनसंख्या रहता है, लाखों हजारों गाड़ी का आवागमन होता है पूर्व से पश्चिम दक्षिण से। और दूसरी बात है कि नेशनल हाईवे है और कोई ऐसा महीना नहीं है कि यहाँ पे 5 गो 10 गो इस रोड में हटिया मोड़ से लेकर के और सिनेमा हॉल मोड़ के बीच में घटना नहीं, इस तरीका का एक्सीडेंट नहीं होता है। हर महीने 10 गो 20 गो एक्सीडेंट होता है और ऑन स्पॉट डेथ होता है। इस पर सरकार को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, और यहाँ पे सबसे पहले है ट्रैफिक का पुलिस यहाँ पे पदस्थापित करना होगा। इस तरीका से नहीं होगा कि एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी फरार हो गया, पेशेंट को इधर उधर डेड बॉडी को कर दिया गया, ये सही बात नहीं है। आम जनता का भलाई इसी में है कि यहाँ प्रशासन ध्यान दे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे हर प्रत्येक दिन संध्या में ट्रैफिक रहता है, प्रशासन कहाँ उनकी ध्यान है।